केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को हिमाचल दौरे पर आ रही है। शिमला के रामपुर में उनका कार्यक्रम होगा। उनके दौरे का हिमाचल कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस स्मृति ईरानी का उज्ज्वला योजनाओं के तहत मिले गैस सिलेंडर को घरों से बाहर रखकर विरोध करेगी और रामपुर में उन्हें गैस सिलेंडर भी लौटाए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने शिमला कांग्रेस कार्यालय में सिलेंडर को मालाएं पहनाकर पूजा कर पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और स्मृति ईरानी से शिमला आने से पहले गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपए करने की नसीहत दी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जब गैस सिलेंडर के दाम 420 रुपए था तो स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी और आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए पहुँच गए हैं और अब इस पर कोई बात नहीं कर रहे। स्मृति ईरानी हिमाचल भी कई बार आती है और लोगों को प्रलोभन देती रहती है। कांग्रेस उनसे पूछना चाहती है कि वे किस बात को लेकर हिमाचल दौरे पर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी कई बार आ चुके हैं लेकिन उन्होंने हिमाचल को कुछ नहीं दिया, जबकि महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान है। अब चुनाव आ रहे हैं और फिर से पीएम मोदी स्मृति ईरानी हिमाचल आ रहे हैं और लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। देश में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटे गए और हिमाचल में भी 1,36,000 लोगों को सिलेंडर दिए गए, लेकिन अब लोगों ने सिलेंडर भरवाने बंद कर दिए हैं। इसका विरोध कांग्रेस करेगी। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि देश भर में भाजपा उज्ज्वला योजना का बखान कर रही है लेकिन आज महिलाओं ने सिलेंडर भरवाने बंद कर दिए हैं। हिमाचल में जहां 1,36,000 गैस कनेक्शन दिए गए थे वहीं अब केवल इस योजना के तहत 9,415 गैस सिलेंडर ही भरवाए जा रहे हैं। भाजपा ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को ठगा है, महिलाओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। Smriti Irani ji had come to Himachal and she had promised our women that I will help you. I will give you 1,36,000 gas cylinders. But the condition today is, which I can tell you, ki 2021-22 mein keval 9,415 hi ne गैस का सिलेंडर भरवा पाए क्योंकि उसके दाम इतने बढ़ गए। आज मैं स्मृति ईरानी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने उस वक्त ये दावा किया था और आपने भी, आपके साथ सुषमा स्वराज जी भी थी और आपने केंद्रीय मंत्री होते हुए यहाँ पर आकर लोगों को ये प्रॉमिस किया था कि आपका ये गैस सिलेंडर जो 450 रुपए का इतना दाम इसका और हम इसकी कीमत को घटाएंगे, आप हमें मौका दो और इन्होंने बहुत से प्रॉमिसेस किए थे पर आज आप देख रहे हैं हमारा गैस का सिलेंडर का भाव क्या हो गया, 1100 रुपए से आंकड़े ऊपर चले गए हैं। स्मृति ईरानी जी जिनका कल हिमाचल प्रदेश में दौरा है उसके बारे में भी उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप बार बार हिमाचल प्रदेश का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि अब चुनाव का मौका है, चुनाव का बहुत नजदीक आ गए हैं, इसे आप लोगों को प्रलोभन देने के लिए यहाँ पहुंच गए। आपने जो वादे किए आपने वो पूरे नहीं किए और अफसोस है कि अब दोबारा से आप इस जनता को लुभाने के लिए, इनको गुमराह करने के लिए ये जगह जगह दौरे किए जाते हैं।